हे गाइस, दिस इज प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लोगों का प्रिया का बहरीन में लास्ट डे है। हम लोग जा रहे हैं घर, इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं साथ में। और कल ही डोडो का भी तबीयत खराब हो गया था थोड़ा, इससे सर्दी जुकाम है। तो बस सब कोई सारा कुछ बैग वगैरह पैक हो चुका है और ये यहाँ पे सीवी और हम लोग टैक्सी का वेट कर रहे हैं। बस टैक्सी आएगा, उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट जाएंगे। वो देखो कितना अनइजी हो रही है। तो चलो आपको एयरपोर्ट में मिलते हैं। तो गाइस, आ गए थे हम लोग एयरपोर्ट और यहाँ पे दीपक वेट कर रहे हैं बैग रैप कराने के लिए। और बहुत लंबी लाइन थी और हम लोग बच्चों लोग को थोड़ा सा घुमा रहे थे क्योंकि वो लोग स्टॉर्डर में ना एक जगह नहीं रह रहे थे। तो मैं प्रिया दोनों को ही घुमा रहे थे और प्रिया का बाबू का तो थोड़ा तबीयत डाउन था, सर्दी जुकाम था, इसीलिए थोड़ी सी अनइजी हो रही थी। उसके बाद हम लोगों ने बोर्डिंग पास वगैरह ले लिया, लगेज वगैरह दे दिया था। और यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी भी क्रॉस कर चुके थे और जा रहे थे लॉन्च की तरफ। तो हम लोग लॉन्च में ही खाना खाने वाले थे, खाने का प्लान किए थे क्योंकि दोनों बच्चे को लेकर तो फिर पॉसिबल नहीं था फ्लाइट में खाना खाना। तो और अच्छा ही हुआ हम लोग लॉन्च में हम लोग ने खाना खा लिया क्योंकि फ़्लाइट में दिक्कत हो जाता, वो दोनों बैठी हुई थी, परेशान करती है ना बच्चे लोग परेशान करते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे आ गए थे हम लोग यहाँ का लॉन्च बहरीन का। और यहाँ पे दीपक एंट्री कर रहे हैं और ये देखो ये भी देख रही है क्यूट होके। फिर भी हम लोग को थोड़ा सा ये हो गया था, डर लग गया था कि बाबू को थोड़ा ज़्यादा परेशान करेगी डोडो, लेकिन डोडो ठीक थी, उतना नहीं परेशान की और अच्छे से हम ट्रैवल कर पाए दो बच्चों के साथ। एक ही बच्चे के साथ ट्रैवल करना थोड़ा सा ये हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं, तो यहाँ खाना भी हम लोगों ने एक एक करके खाया। यहाँ एक जन कोई भी जा रहा था वो कुछ खाना वाना लेके आ रहे थे, उसके बाद फिर एक एक जन करके खाए हम लोग तीनों लोग। और इस बार तो निकलने में भी हम लोग को थोड़ा सा लेट हुआ, तो लेट भी था, एक ही घंटा मिला हम लोग को लॉन्च पे। तो उसी में हड़बड़ी में हुआ। तो यहाँ पे देखो कितने सारे खाने का ऑप्शन रहता है, तो ऑप्शन भी हम लोग को थोड़ा सा देख के सिलेक्ट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर ना सारे कुछ मिलता है ना इंटरनेशनल। तो हम लोग तो नॉर्मली वेज या फिर चिकन ऑप्शन देखते हैं या फिर वेज ऑप्शन देखते हैं, इंडियंस लोग तो थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे राइस वाइस था, वही हम लोगों ने खाया, थोड़ा डेजर्ट खाएँ यहाँ का और बहरीन का स्वीट्स होता है ना वो भी हम लोग खाएँ। और बस यहाँ पे निकल गए बोर्डिंग के लिए। तो बोर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो बच्चे लोग के साथ ट्रैवल करने का एक फ़ायदा रहता है कि आपकी अलग से एंट्री होती है और स्टाफ वगैरह जो रहते हैं वो अलग से एंट्री करवा देते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि इतना भीड़ में कौन ले कर जाना तो बच्चों को मुश्किल है। तो देखिए हमारा ये अलग से ही गेट था और ये स्ट्रॉलर को हम लोग ये फ्लाइट के अंदर तक लेके जा सकते हैं, नहीं फ्लाइट के गेट तक जाएंगे ना, उसके बाद फिर स्ट्रॉलर ले लेंगे ये लोग। और उसके बाद जब हम लोग का फ्लाइट लैंड कर जाएगा तो वहीं पे गेट पे लेके खड़े रहते हैं स्ट्रॉलर के साथ, तो दिक्कत नहीं होता है। स्ट्रॉलर के साथ तो बहुत ईजी होता है बच्चों के साथ ट्रैवल करना फ्लाइट में। और बस यहाँ पर हम लोग पहुँच गए दिल्ली एयरपोर्ट है ये। और यहाँ पे उसके बाद फिर हम लोग इमिग्रेशन करेंगे, तो इमिग्रेशन में भी हमारा अलग से लाइन रहता है, या तो एज हो 60 प्लस हो या तो फिर बच्चों लोगों के लिए ना वो अलग लाइन रहता है, तो इसलिए हमारा सब जल्दी जल्दी हो जाता है। फिर भी थकावट तो बहुत ही ज़्यादा थी, ट्रैवलिंग में तो हमें जाती है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे डोडो सीवी को उठा दी, सीवी अच्छे से सोई हुई थी लेकिन डोडो उठा दी। तो हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, शायद हम लोग 4 बजे हम लोग लैंड किए थे, तो आते थे यहाँ पे तो सुबह हो गया था, 6 बजे आया था सारा कुछ बैगेज वगैरह लेते हुए। तो हम लोगों ने होटल में कुछ देर रेस्ट किया, उसके बाद हम लोग की शाम की फ़्लाइट थी कोलकाता के लिए, उसके बाद हम लोग निकल गए कोलकाता फ़्लाइट के लिए। तो ये दिल्ली एयरपोर्ट में ही है, बच्चों के खेलने का है, तो वहाँ पर सीवी को डाल दिए थे, कुछ देर खेली वो, उसके बाद हम लोग खाए यहाँ पर। तो दिल्ली का लॉन्च का तो अभी बहुत ही ये है, बहुत भीड़ रहता है और एक ही शायद है तो अच्छा नहीं है यहाँ का। पहले ITC लॉन्चेस वगैरह थे तो वहाँ पे बहुत अच्छा होता था हम लोग के लिए स्टे करना और अच्छा रहता था। तो अभी हम लोग ऐसे ही बाहर में फूड कोर्ट में खाना खाएं और यहाँ पे शिव खिलाएँ, उसके बाद फिर हम लोग निकल गए कोलकाता के लिए। प्रिया के यहाँ पे तो मैं आने का नहीं कर पाई व्लॉग क्योंकि बहुत थक गए थे, रात हो गया था बहुत ज्यादा, 11 बज गया था। तो अभी ये नेक्स्ट डे है और ये हटाओ। अभी नेक्स्ट डे है और हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए।
आ जा रहे हैं, ऐसे ही जाएंगे शॉपिंग वगैरह करेंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर आ जाएंगे। यार एक सॉरी है, एक बदमाशी कर रही है, तो चलो आपको वही मिलते हैं। तो गाइस शॉपिंग वगैरह हमारा हो गया था, उसके बाद हम लोग आ गए खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे देखो सीवी इतना बदमाशी कर रही थी, दोनों बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है, फिर भी उसी में हम लोग संभालना भी पड़ता है, खाना भी खाना पड़ता है। तो पहले की तरह तो नहीं खाने का मज़ा आता, पर ठीक है, खाना यहाँ का टेस्टी था, मज़ा आया, सब हम लोगों ने अच्छे से खाया, डिनर वगैरह करके उसके बाद हम लोग घर में गए और घर में जाके रेस्ट किए। तो गाइज़ उसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे पान का स्टॉल था, तो हम लोगों ने बनवाया पान, मीठा पान, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सीवी भी सो गई थी, रात हो गया था, बस दैट्स इट, आ गए हम लोग घर।